दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में एक बार फिर से। और आज मेरे पास यहाँ पर है इन्फिनिक्स का हॉट 9 प्रो और फटाफट से हम करेंगे इसका आज कैमरा टेस्ट यहाँ पर। और मेरे पास है 10,500 वाला वेरिएंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसके कैमरे में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है और 2-2 मेगापिक्सल के यार दोस्तों इनने डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर दिए हैं। साथ में आपको लो लाइट सेंसर भी प्रोवाइड किया गया है। इस फ़ोन में दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैक्रो शॉट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मैक्रो शॉट इसने लिया है। लेकिन अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं डिटेल्स में दोस्तों आपको बहुत सारी कमी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों वैसे तो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो यार दोस्तों चलिए बात करते हैं नॉर्मल शॉट की। तो नॉर्मल शॉट भी काफ़ी अच्छे से लिया है। लेकिन अगर मैं आपको डार्क रीजन दिखाऊँ इस पेड़ के पास, तो उसमें दोस्तों आपको हाईलाइट्स की कमी देखने को मिलेगी। और डायनेमिक रेंज दोस्तों ठीक ठाक है, उतनी बुरी भी नहीं है। तो दोस्तों ये है यहाँ पर एक और नॉर्मल शॉट जिसमें कि प्लांट की फ़ोटो मैंने ली है। यार दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें डिटेल्स की काफ़ी यहाँ पर कमी मेरे को दिखाई देती है हर ही शॉट में। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो फूल और ये दोस्तों लीव है इस प्लांट की, वो काफ़ी ब्लरिश जैसी यहाँ पर हो चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके पोर्ट्रेट शॉट की, तो मुझे पर्सनली इसका पोर्ट्रेट शॉट काफ़ी अच्छा लगा इस पूरे फ़ोन में। क्योंकि यार दोस्तों अगर आप यहाँ पर जूम करके इसकी एजेस देखोगे तो काफ़ी अच्छे से इसने डिटेक्ट की है। तो यार दोस्तों ये कई बार रेडमी और रियलमी के फ़ोन को भी यहाँ पर फेल कर देता है इस मामले में। तो दोस्तों ये है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल में जो मैंने एक शॉट लिया है और ये फ़ोन टिल्ट करके मैं लिया हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डायनेमिक रेंज मुझे यहाँ पर थोड़ी ठीक ठीक सी लगी दोस्तों, और कलर काफ़ी अच्छे यहाँ पर निकल कर आए हैं। दोस्तों ये भी यहाँ पर एक नॉर्मल शॉट है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से बोके इफेक्ट फिर भी इस फोन में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा जब आप ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर फोकस करोगे। तो दोस्तों इसमें आपको HDR की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है और HDR में आप कुछ इस प्रकार की यहाँ पर फोटो ले सकते हो। और दोस्तों ये मैंने यहाँ पर प्लांट की फ़ोटो ली है बिना ही कुछ AI और HDR का यूज़ करते हुए। तो आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक सी फ़ोटो निकल कर आती है, लेकिन 10,000 में दोस्तों काफ़ी अच्छे से ये फ़ोटो ले लेता है। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं इसके 48 मेगापिक्सल की एक बार फिर से। तो ये शॉट मैंने 48 मेगापिक्सल में लिया है और मैं आपको जूम करके दोस्तों दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वालिटी मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छी है दोस्तों। आपको अगर क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये क्लियर फ़ोटो निकल कर आई है जूम करने के बाद। तो उतने अच्छे से तो दोस्तों नहीं, लेकिन ठीक ठाक मैं यहाँ पर बोलूँ। दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर इन्फिनिक्स के हॉट 9 प्रो के बैक कैमरे से, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलता है। तो इस फ़ोन में भी दोस्तों आपको कोई EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों जो ये मैं ऑडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इसी फ़ोन से यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। और आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसे लगी। और डायनेमिक रेंज की बात करूँ तो काफ़ी सही है, कलर्स कूलर्स भी काफ़ी सही है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों जो एक गलत बात है, इसमें आपको स्लो मोशन देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें एक ड्रॉबैक है। और बाकी इसमें आप 4K वीडियोज़ नहीं बना सकते हो, आप इसमें 1080p तक यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर इन्फिनिक्स के हॉट 9 प्रो से, और इसमें आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि इस कैमरे में आपको कोई EIS देखने को नहीं मिलता। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर क्वालिटी निकल कर आ रही है। और जो दोस्तों ऑडियो है वो भी इसी फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी इस फ़ोन की कैसे लगी। और डायनामिक रेंज आप देख सकते हैं कि मुझे काफ़ी ठीक लगी इस फ़ोन की। तो लेकिन दोस्तों जो कलर्स है वो तो अच्छे, लेकिन इसमें स्मूथनिंग बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं सैचुरेशन लेवल थोड़ा हल्का सा मुझे यहाँ पर कम लगा इस फ़ोन का। दोस्तों अगेन यहाँ पर एक 48 मेगापिक्सल का शॉट मैंने क्लिक किया है, और आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे जूम करूँगा तो क्या आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो लेकिन अगर कलर की बात करूँ तो दोस्तों कलर्स काफ़ी अच्छे हैं इस फ़ोन के, ये मैं आपको बता देता हूँ। कलर से आपको कोई भी शिकायत यहाँ पर नहीं आएगी। तो दोस्तों जूम करने के बाद अगर आप इन पत्थर्स को देखेंगे तो यार काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डिटेल्स निकल कर आई है। उतनी अच्छी तो नहीं दोस्तों, लेकिन 10,000 रुपये में इससे अच्छा मैं बोलूँगा कि 48 मेगापिक्सल वाला फ़ोन आपको नहीं मिल सकता। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके नाइट शॉट की, तो मैं बोलूँगा कि आप इसमें नाइट शॉट ना ही ले तो बेहतर है। अगर आप इसमें दोस्तों नाइट शॉट वाला मोड भी ऑन करोगे तब भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही यार, और सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।